नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सिक्स. क्वेश्चन नंबर सिक्स में वो बोलता है फाइंड एक्स सो दैट, उसने कुछ हमें दो पार्ट दिए उसके अंदर हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपके पास बेस सेम है, मान लो मैं बोलता हूँ कि 3 की पावर एक्स इज इक्वल टू, इक्वल का साइन होना चाहिए और बेस सेम होना चाहिए. और मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5, तो मेरा एक्स जो है वो 5 के इक्वल आ जाएगा. ये बात ध्यान रखना, बेस सेम होना चाहिए, बीच में इक्वल का साइन होना चाहिए, तो पावर सबूत इक्वल हो जाती है अपने आप. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं. फर्स्ट पार्ट में वो बोलता है कि 3/5 की पावर -4, इसको मैं ऊपर लिखता हूं, 3/5 की पावर -4 इंटू 3/5 की पावर 5 इट इज इक्वल टू 3/5 की पावर एक्स. ठीक है, तो देखो ये बेस सेम है, पहले भी पावर साइड में मल्टीप्लाई का साइन है, तो 3/5 दिस इज योर -4 + 5 इज इक्वल टू 3/5 की पावर एक्स. 3/5 -4 + 5 1 इज इक्वल टू 3/5 की पावर एक्स. सो दिस इज, नाउ देखिए बेस सेम है, इक्वल का साइन है, तो जो पावर्स है वो इक्वल हो जाएंगी, मतलब एक्स इक्वल टू 1. हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1. सो दिस वाज द पार्ट ए. नाउ कम टू द पार्ट बी. बी पार्ट में वो बोलता है 1/3 की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 की पावर -5 इक्वल टू 1/3 की पावर 2x + 1. अब देखो यहां पे आपके पास बेस 1/3 है, तो मुझे यहां भी 1/3 ही लेके आना है, तो ये बनेगा 1/3 बेस 2 पावर, मल्टीप्लाई का साइन है, बेस सेम है, पावर साइड में आएंगे -2 + -5 इट बिकम्स इक्वल टू 1/3 -2 + -5 इज इक्वल टू 1/3 रेस टू पावर -7. इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सिंपलीफाई किया, मेरा 1/3 पावर -7. दिस 1/3 रेस टू पावर -7 इज इक्वल टू 1/3 रेस टू पावर 2x + 1. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को मैंने सिंपलीफाई किया, तो मैं पहुंचा 1/3 पावर -7 तक. फिर मैंने राइट हैंड साइड को साथ में ले लिया, 1/3 पावर 2x + 1. बेस सेम है, इक्वल का साइन है, पावर्स भी इक्वल, तो -7 इक्वल टू 2x + 1 इट गिव्स 2x इक्वल टू -7 - 1 तो x will be equal to -8/2 which will be equal to -4 right. So this was the part B of question number 6. Now come to the question number 7.